नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रॉप पिचेस क्या होती है, जिसपे T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान मैचेस होने हैं का पीछे के वजह जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे इस वीडियो हमारे साथ। जानते हैं भारत और पाकिस्तान की टीम ICC T20 विश्व कप 2024 में ग्रुप में न्यूयॉर्क से भिड़ेगी। दोनों टीम ड्रॉप इन पिच पर खेलती हुई नजर आएगी। T20 विश्व कप का आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका सह मेजबानी में हो रहा है। इसमें कुछ मैच वेस्ट इंडीज में और कुछ मैच अमेरिका में खेले जाएंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेले मुकाबले के लिए ड्रॉप इन पिचों की फ्लोरिडा से लाकर नाइस काउंटी इंटरनेशनल के स्टेडियम में बिछाया जा रहा है। इस तरह की पिचे का इस्तेमाल ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, क्योंकि वहाँ एक ही स्टेडियम में क्रिकेट सहित रग्बी, फुटबॉल, बेसबॉल आदि खेले जाते हैं। T20 विश्व कप का आगाज 2 से 29 जून तक होगा, जिसमें सर्वाधिक 20 टीमें हिस्सा लेंगी। न्यूयॉर्क T20 विश्व कप के 8 मैच का आयोजन होना है। पिछले 6 महीने में ड्रॉप इन पिचे को फ्लोरिडा में तैयार किया जा रहा है। इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की क्षमता 34,000। इस स्टेडियम में खेले जाने वाले सभी आठों मैच ड्रॉप इन पिचे पर खेली जाएगी। 4 पिचेस का नशा 6 पिचे आसपास अभ्यास के लिए लगाया जाएगा। क्या जानते हैं पिचेस क्या है? ड्रॉप इन पिचेस वो होती है जिन्हें ग्राउंड पर वेन्यू से दूर बनाया जाता है। बाद में इन पिचों को क्रेन या ट्रक के लाकर स्टेडियम में बिछा दिया जाता है। फ्लोरिडा में तैयार किया जा रहा पिच एडिलेड आवर्टन एड ट्रक सॉल्यूशंस की देखरेख में बनाई जा रही है, जिसकी अगुवाई में एडिलेड आवर के मुख्य क्वेटन डेमियर हंग कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य स्टेडियम में होता है। क्रिकेट का सीजन खत्म होने के बाद ड्रॉप इन पिचों का निकालकर पहले रेत और फिर कृत्रिम घास दी जाती है, जिसके बाद ग्राउंड दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। ड्रॉप इन पिचे पिच कैसे बनाई जाती है? ड्रॉप इन पिचेस को काली मिट्टी की परत पर घास उगाई जाती है। इसकी सभी प्रक्रिया स्टील के फ्रेम में होता है। क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है जब तब 30 टन वजन वाले इन पिचों का ट्रक या टेलर से उठाकर 27 मीटर गहरे सीमेंट तक के स्लैब के ऊपर डाल दिया जाता है। स्टील के फ्रेम में बनने की वजह से ये काफ़ी कठोर यानी सख्त होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के रेडीमेड पिचों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ग्राउंड्स को दूसरे इवेंट के लिए भी तैयार किया जा सके। तो ये थी वीडियो क्या होता है पिच रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।